सत्ता पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। घर घर जाकर प्रत्याशियों द्वारा ऐसे लोगों के पैरों में गिरना तो अब आम बात हो गई है, जिन्हें हजारों सालों से घृणा की नजर से देखा जाता। यहाँ तक कि कथित ऊंची जात वाले लोग उनके छूने मात्र से अपवित्र हो जाते। किसी व्यक्ति में सत्ता पाने की ललक केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में है। फिर चाहे सत्ता पाने वाले का बैकग्राउंड खेल, सिनेमा या समाज सेवा कुछ भी हो, बस वह किसी भी तरह अपनी क्षमता के अनुसार किसी शहर, गांव, राज्य या देश की कुर्सी पर काबिज होना चाहता है। इस कुर्सी को पाने के लिए लोग नए नए उपाय अपनाते हैं। ऐसा ही एक मामला हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से सामने आया है। आपको बता दें कि इमरान खान की सत्ता बचाने के लिए उनकी पत्नी खूनी जादू टोने करने पर उतर आई हैं। इससे पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तान में सत्ता बचाने के लिए बुरी तरह हाथ पैर मार रहे प्रधानमंत्री इमरान खान की मदद करने के लिए अब उनकी पत्नी बुशरा बीबी कोशिशों में जुट गई हैं। हालांकि उनकी कोशिशें खासी रसमई हैं और इसके चलते पाकिस्तान में बवाल मच गया है। खान की पत्नी बुशरा बीबी जादू टोना करने को लेकर चर्चा में आ गई हैं। विपक्षी नेता शाहबाज शरीफ ने बुशरा बीबी पर जादू टोना करने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे शाहबाज शरीफ ने दावा किया है कि इमरान खान के घर बनीगाला में जादू टोना करने के लिए कई टन मांस जलाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नवाज शरीफ के भाई और पीएमएलएन नेता शाहबाज शरीफ ने एक निजी टीवी चैनल से कहा कि जनता खाने के लिए मर रही है, बच्चों के पीने के लिए दूध नहीं है, लेकिन बनीगाला में जादू टोना के लिए चिकन जलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी सत्ता को बचाने के लिए असंवैधानिक तरीके का इस्तेमाल करने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। इमरान खान के इस रियासत ए मदीना में अपराधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। खैर, इस तरह की घटनाओं से बवाल नहीं मचना चाहिए, न किसी को अचंभित होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटना चुनावों से पहले हमारे देश में भी खूब देखने को मिलती है। चुनावों के दौरान कई बड़े बड़े नेता मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करवाते हैं, हवन यज्ञ करवाते हैं और हजारों किलोलीटर दूध को नालियों में बहा दिया जाता है। खैर, आप ऐसे चमत्कारिक बातों पर कितना विश्वास करते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर